देखो, दिस इज एन वेरी क्रूशियस टाइम। आपने जेक चंडीगढ़ का नाम तो सुना होगा। लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर अप्लाइड फॉर द जेक चंडीगढ़ काउंसलिंग प्रोसेस भैया, स्पोर्ट राउंड, बहुत सारे पैसे भी भरे हैं बहुत सारे बच्चों ने। पता नहीं किसी को मिलेगा नहीं मिलेगा, एक उम्मीद में। हाँ, एक एक जिज्ञासा थोड़ी सी कि यार पंजाब यूनिवर्सिटी जैसे कॉलेजेस, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज पढ़ेंगे शायद जीवन में कुछ हो जाए, इसलिए पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। जिनकी इनकम एक साल की टोटल 2 लाख रुपए, वो भी हजारों लाखों रुपए काउंसलिंग के अंदर डाल दे रहे हैं बच्चों की, ताकि हमारे बुढ़ापे का सहारा बने। लेकिन यार एट द एंड एडमिशन सिर्फ 1% या फिर 0.1% बच्चों का ही हो पाता है। मेजोरिटी ऑफ द कॉलेजेस की अगर बात करें, आप जेक दिल्ली देख लो, आप जेक चंडीगढ़ देख लो, रीप राजस्थान देख लो, यहाँ पे बहुत कम इंस्टीट्यूट पार्टिसिपेट करते हैं। जैसा कि जेक चंडीगढ़ में काफी कम कॉलेजेस होते हैं, जेक दिल्ली में भी बहुत कम कॉलेज होते हैं। हाँ, तो आज जो आपका रिटेंशन रेशियो है वो बिल्कुल खत्म सा हो जाता है, जीरो सा हो जाता है। कह रहे यार आज हम बात कर रहे हैं जेक चंडीगढ़ की। लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन द पंजाब एरिया, स्पेशली चंडीगढ़, मोहाली एंड भैया और क्या ऑप्शंस हैं, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ पंजाब में आप देखोगे आज तो इधर फॉरेन कल्चर काफी ज्यादा बढ़ चुका है। लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आफ्टर द 12th क्लास गोइंग फॉर द कनेडा, जापानीज, जर्मनी। लेकिन इन बच्चों के पास, आप लोगों के पास क्या अपॉर्चुनिटी निकल के आती है, क्योंकि उधर की जो सीटें रहती है, क्या उधर भी वैसे कॉलेजेस हैं, अच्छे कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज, स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटियां, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस, क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, जस्ट लेट मी नाउ। अब मैं आपको बताता हूं यार क्या क्या ऑप्शन है। वैसे तो यार मेजोरिटी ऑफ द बच्चों का तो यही सपना होगा, बड़े बड़े कॉलेजों में पढ़ना है, अच्छे अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजों में एडमिशन लेना है, कम फीस होगी, सॉफ्टवेयर बनाएंगे, लाइफ व्हाट्सएप ब्रो, हाई ब्रो, व्हाट्सएप डूड वाली जिंदगी जिएंगे, ऐसे बहुत सारे सपने होंगे। कुछ कॉलेजेस की बात करूंगा पंजाब के अंदर, अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज जो कि टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटियों को गवर्नमेंट कॉलेज ही टक्कर दे रहे हैं। खैर यार, जैसे आपने सुना होगा पंजाब के ऑलमोस्ट जितने कॉलेज चलते हैं, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो, एक स्टेट गवर्नमेंट से एफिलेटेड रहते हैं जिसका नाम है IKGPTU। हाँ जी, IK गुजराल पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी, चाहे वो पंजाब का बोर्ड एग्जाम हो चाहे वो यूनिवर्सिटी, जो सबको एफिलेट जो करता है, सबको जो हैंडल करता है वो करता है IK गुजराल। हाँ, जलंधर के कपूरथला के अंदर इसका मेन कैंपस सिचुएटेड है, बहुत पुराना कॉलेज है। वैसे एक ही इसका जो इसके एक इसके जो छोटा भाई है जिसको बोलते हैं MRSPTU, हाँ जी, महाराजा रणजीत सिंह पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी। अब इसका वैसे मेन कैंपस आप अगर देखोगे ज्ञानी जेल सिंह कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, आप काफी पुराना कॉलेज है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, तुमको पता नहीं होगा वैसे, ज्ञानी जेल सिंह हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे किसी टाइम पे, उसी के नाम से इसको स्टार्ट किया गया था। बठिंडा शहर के अंदर सिचुएटेड है IK गुजराल, वैसे कपूरथला जलंधर के अंदर सिचुएटेड है। पहले अगर मैं बात करूँ LPU जैसे कॉलेजेस इन स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजों से एफिलेटेड हुआ करते थे, आज भी ऑलमोस्ट पंजाब के हर कॉलेज इन कॉलेजों से एफिलेटेड है। हालांकि IK गुजराल अभी बंद करके MRSPTU एफिलेट करता है प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेजों को। उसके बाद में यार आप अगर देख रहे हो, आपने देखा होगा गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। वैसे गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी आपने सुना होगा, हाँ, अब ये वैसे कहाँ पर है, ये लुधियाना के अंदर है। इसके बहुत सारे रीजनल कैंपस, मेन कैंपस, आप कॉन्स्टिट्यूंट कैंपस आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ का प्लेसमेंट कल्चर काफी ज्यादा अब हाई जाता है। वैसे पंजाब में मेजोरिटी ऑफ द कोई कंपनी नहीं है, लेकिन हरियाणा में फरीदाबाद, गुड़गांव की जितने भी इंडस्ट्री है, EV इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, वो मास रिक्रूटिंग ऑलमोस्ट काफी ज्यादा करती है। इन कॉलेजों के अंदर पंजाब गवर्नमेंट मेगा जॉब फेयर ऑर्गेनाइज कराती है, जहां से मास रिक्रूटिंग मेजोरिटी ऑफ द बच्चों की हो जाती है। तो यार ये सारा का सारा प्रोसेस रहता है। वैसे आप अगर यार टारगेट कर रहे हो यार अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज, भैया कंप्यूटर साइंस मिल जाए, अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, देन आप हमारी पेड काउंसलिंग में एनरोल कर सकते हो। वैसे दुनिया का सबसे अफोर्डेबल काउंसलिंग प्रोग्राम भी आज हम रन कर रहे हैं। वैसे आपने देखा होगा बहुत सारे यूट्यूबर्स, टिकटॉकर्स हैं, आपसे पैसे लूटते हैं, भैया हैं आप हमारी काउंसलिंग ले लो, फुल सपोर्ट ले लो, फोन सपोर्ट ले लो, हाँ इतना पैसा इसको दे दो, उतना पैसा इसको दे दो, हाँ आपको मैं प्रेफरेंस बना के दे दूंगा, ये दे दूंगा, वो दे दूंगा। लेकिन आपको तो कॉलेज मिल ही नहीं रहा था इस फीलिंग के अंदर,
तो फिर आप क्या कर सकते हो यार, आपको चाहिए कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, वो ना आपको जोसा में मिलेगा, ना सीएसएबी में, ना जेक दिल्ली, ना जेक चंडीगढ़। आपको कहां पर मिलेगा? आपको या तो मिलेगा स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस, गवर्नमेंट कॉलेजेस, या फिर प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटी, या फिर अदर अदर अदर। अब हम कुछ बात करेंगे यार, ये स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस को हम कैसे पकड़े, हाँ ये कहाँ पर मिलेंगे। पहले कुछ पंजाब के अच्छे स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप टारगेट करो खालसा कॉलेज, हाँ ज्ञानी जैल सिंह कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, आई की गुजराल के दो ठीक ठाक कैंपस है, अब एक अमृतसर के अंदर भी है, एक जलंधर के अंदर भी है, आप दोनों को कर सकते हो। वैसे आपने और कौन से कॉलेज कर सकते हो भैया, यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, आप और एसएफएस सीटें आपको अगर चाहिए तो आप क्या करो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर। वैसे ये लोग जोसा के थ्रू लेते हैं, हालांकि ठीक है बहुत बार स्पोर्ट राउंड भी कंडक्ट कराया जाता है। हालांकि यार सीएसएबी के बाद में बहुत सारे इंस्टीट्यूट इंडिविजुअल काउंसलिंग भी आप कंडक्ट करते हैं, क्योंकि सीएसएबी इतना सारा प्रोसेस के बाद अपने हाथ खड़े कर देता है कि 1,00,000 बच्चे जेई में बैठे थे फिर भी हमारे इंस्टीट्यूट में सीटें खाली पड़ी है, मैं आउट हो गया इंस्टीट्यूट, तो अपना खुद देख ले क्या करना है। और उसके बाद यार और भी स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज जैसा कि बाबा गुलाम साहब, बादशाह यूनिवर्सिटी, एकेटीयू के मेजोरिटी ऑफ द कॉलेजेस, आपको महाराष्ट्र के अंदर भर के कॉलेज मिलेंगे, राजस्थान का अजमेर गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, आरटीयू कोटा, बीटीयू बीकानेर, सीटी उदयपुर, एमपीएम जोधपुर, ये कुछ अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजेस है। वैसे ये हाँ आप जो है इन काउंसलिंग के बराबर मान सकते हो, वैसे इसको जो आपने जेक चंडीगढ़ के अंदर अप्लाई किया है, आपको वहां पे कुछ नहीं मिला, आप कोई बात नहीं, डोंट वरी। वैसे आप हमारी पेड काउंसलिंग भी ले सकते हो, वैसे हमारा काउंसलिंग प्लान 1999 से स्टार्ट हो जाता है। हाँ हम आपको टेलीग्राम ग्रुप नहीं देते, ना ही हम आपको प्रेफरेंस लिस्ट देते हैं, हम आपको देते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आ सॉल्यूशन, हाँ 24/7 कॉल सपोर्ट। हम आपको स्टेट वाइज लिस्टें भी दे देते, भैया यूपी के अंदर ये कॉलेज है, तेरा इस कॉलेज में हो रहा है, अब तू डिसाइड कर कि तेरे को कौन से स्टेट का कौन सा कॉलेज अच्छा लग रहा है। तेरे को कोई नॉलेज नहीं है, कोई बात नहीं, हमें कॉल कर, डिस्कस कर, पूछ इसका प्रोक्स क्या है, इसमें अच्छा कौन सा है, बुरा कौन सा है, प्लेसमेंट, अब इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन, फ्यूचर में क्या क्या होने वाला है, हम भी आपको गाइड करते हैं रिगार्डिंग दिस प्रोसेस, फिर आप एक अच्छा कॉलेज डिसाइड कर लेते हो, भैया ये कॉलेज मेरा टारगेट है, एक्स वाई जेड कॉलेज, हाँ इसमें अगर हो जाए आज तो शायद मैं ले लूंगा। बाद में आपका जो है अप्लीकेशन, स्पोर्ट एडमिशन, जिस भी प्रकार के आपका हो सकता है वो कराया जाता है। एक आप लोग काफी सारे पेरेंट्स परेशान रहते, भैया हम कहीं पर जॉब कर रहे हैं, बॉस छुट्टी नहीं देता, बच्चों का करियर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इनका एडमिशन नहीं कराया तो हमारा क्या होगा, एट द एंड बच्चे ही उनके बुढ़ापे का सहारा है। लेकिन यार बहुत सारे पेरेंट्स को ये प्रॉब्लम आती है, बहुत सारी गर्ल्स स्टूडेंट होती है, उनके साथ काउंसलिंग पे कैंपस में विजिट करने वाला कोई होता नहीं है, हैं पेरेंट्स को ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलती, अब बहुत सारे लोग गांव से बिलोंग करते हैं जिनको कोई नॉलेज नहीं होता, इसलिए उनके लिए हम कस्टमाइज प्लान चलाते हैं। बस आपको इतना करना रहता है, आप हमने डॉक्यूमेंट हमारे पास सबमिट करा दो, आपके लिए जो भी बेस्ट ऑप्शन हो सकता है स्टेट्स के अंदर से, पंजाब में ये है, राजस्थान में ये है, गुजरात में ये है, महाराष्ट्र में ये है, यूपी के अंदर ये है, जम्मू में ये है, ठीक है वो हम आपको अलॉट कराते हैं, फिर वो आप लेके ठीक है भैया ये कॉलेज अच्छा है उसमें आपको लोड करा देते हैं, आप पहुंच जाओ कैंपस, फीस जमा कराओ और अपनी मस्त जिंदगी अब जियो। हाँ वैसे आप लोगों के लिए एक रिकमेंडेशन है, आप लोगों को यार बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट होगा एरोस्पेस इंजीनियरिंग के अंदर, एविएशन इंजीनियरिंग में, सैटेलाइट इंडस्ट्री इज द ग्रोइंग फील्ड इन इंडिया नाउ, बिलियन डॉलर मार्केट है। आज अगर बात करूं मैं एरोस्पेस एंड एविएशन सेक्टर का, पर डे आज हमारे देश के अंदर 3,000 फ्लाइट फ्लाई करती है। इसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें एविएशन सेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा इंजीनियर्स चाहिए, प्रोड्यूसर्स जो कि प्रोडक्ट डेवलप कर सके, प्रोडक्ट बना सके, डिजाइन कर सके। इसके लिए यार एक इंजीनियर चाहिए होता है, बेसिकली दिस ब्रांच इज रिलेटेड टू द मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल ऑल्सो, दिस इज कॉल्ड एरोस्पेस एंड एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। एक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है, दैट्स नेम इज पंजाब स्टेट एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कॉलेज। वैसे पंजाब वाले बच्चे कोई है, अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, देन आपके लिए बिल्कुल फ्री है,
आपको कोई पैसा नहीं देना, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आप विजिट कर सकते हो psaec.in पे एंड आप अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में, आप एक बार टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ ले, आप जो है कॉलेज वालों से बात भी कर ले उनकी वेबसाइट पे विजिट करके, आपको अगर अच्छा लगता है देन आप एडमिशन ले सकते हैं। यार ये कोई पेड स्पॉन्सरशिप नहीं है, दिस इज एन ऑल्सो रिकमेंडेशन बिकॉज दिस इंडस्ट्री नाउ बिकमिंग द ब्रांड इंडस्ट्री इन द फ्यूचर। टिल 2030 तक एरोस्पेस इंडस्ट्री ग्रोइंग अप टू 30% इन द मार्केट। हालांकि इस फील्ड में स्कोप बहुत ज्यादा है, कंपटीशन इज वेरी लेस, बहुत लोटो बहुत कम कॉलेजेज ऐसे हैं जो कि ऐसे ऐसे कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं एंड दिस इज एन गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज। तो आप देख सकते हो वैसे नया कॉलेज है, 2018 के अंदर स्टार्टेड है, ऑलमोस्ट आई थिंक 2 बैचेस कंप्लीट कर दिए इन लोगों ने और आई थिंक फ्यूचर में जॉब मार्केट काफी बड़ा है, तो आप लोग इसके बारे में देख सकते हो।